नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू जॉब अपडेट पर। आज की वीडियो में बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल पर जरूर बने रहें। ले चलता हूँ सीधा PGI चंडीगढ़ की वेबसाइट पर ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको खुद भी आप चेक कर सकते हैं इसको वीडियो को। मैं इस पूरी प्रोसेस आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कैसे से आपको नोटिफिकेशन चेक करना है। मैं PGI चंडीगढ़ की वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ। यहाँ मैंने सर्च कर लिया PGI.edu.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं PGI चंडीगढ़ की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सिंपली करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे आपको एक रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड किए गए हैं फॉर ग्रुप ABC फॉर PGI सेटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ PGI मर चंडीगढ़ के लिए। यहाँ पे करना क्या है, सिंपली इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद क्लिक हियर फॉर नोटिस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद PDF फाइल आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटेड 22 अक्टूबर का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है, रिक्रूटमेंट नोटिस, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ की तरफ से अप्लीकेशन ऑनलाइन इन्वाइट, भरना फॉर्म आपको फ्रॉम द सिटीजन हु फुलफिल द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी, जिनके पास एलिजिबिलिटी है यानी क्वालिफिकेशन है। वो टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए 223 पोस्ट है, ग्रुप ABC की पोस्ट है दोस्तों फॉर PGI संगरूर के लिए। अगर आप ऑनलाइन करने के लिए ये आपके 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट डेट आपकी 28 नवंबर रहेगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की दोस्तों। यहाँ पे पर्सन विद जो PWBD के लिए कोई फीस नहीं है। SST के लिए 800 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज आया एप्लीकेबल, 800 रुपये है स्लैश प्लस, हाँ ठीक है। फॉर ऑल अदर कैटेगरी के लिए जनरल OBC EWS के लिए 1500 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज आज पर द कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई। तो आपको करना क्या है, जहाँ से हमने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके है ना, सेकंड वाला गाइडलाइन लिखी हुई है यहाँ पे, सेकंड वाले नोटिफिकेशन के नीचे गाइडलाइन लिखी हुई है। लिखिए फिर गाइडलाइन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की डिटेल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फीस के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के बारे में, बाकी अदर रिक्रूटमेंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। थर्ड नंबर पे आप यहाँ पे देखिए नर्सिंग ऑफिसर की 195 पोस्ट है दोस्तों, जनरल की 81 है, SC की 29 है, ST की 14 है, OBC की 52 है, EWS की 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी कैंडिडेट है नर्सिंग ऑफिसर की के लिए ग्रुप बी की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, जो भी कैंडिडेट है इसको अप्लाई करें। और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, 18 से 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए। लेवल 7 रहेगा आपका 44,900 से लेकर 1,42,400। क्वालिफिकेशन की बात करें ए सेक्शन में BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, या रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग होना चाहिए, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए नर्स और नर्स मिड वाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए GNM में किया हुआ आपने मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में रजिस्टर होना चाहिए एज ए नर्स फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन पेंशन एट B1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मांगा गया है कि यहाँ पे बी वाली क्वालिफिकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाकी वीडियो की डिटेल और पोस्ट की डिटेल के बारे में दूसरी वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने, थैंक यू।